मैं हूं अली अब्बास। तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पे। थोड़ा नीचे करो ना इसको लंबो। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अब्बास तोसी है। मैं दिल्ली से यहाँ हर साल बम्बई में तकरीबन 40 साल हो गए हैं मुसलसल आते हुए कंटिन्यूस। हम यहाँ मुहर्रम के सिलसिले में आते हैं और यहाँ जोगेश्वरी में अंजुमन मातम हुसैनी गुलशन हुसैनी की जानिब से आज ये जलूस का और मजलिस का अहतमाम होता है। ये जलूस जो निकाला जाता है ये करबला वालों की याद में निकाला जाता है। हमारे हिंदुस्तान में हर मज़हब के अपने अपने रहबर लीडर और हीरोज हैं वो जिनकी यादगार मनाते हैं। अभी देखिए रामनवमी चल रही है, चल रहा है नवरात्रे चल रहे हैं, सबके अपने अपने होते हैं। हमारा भी मज़हब है, उसके भी कुछ हीरो, उसके भी रहबर, उसके भी कुछ यादगार कैरेक्टर्स हैं। इमाम हुसैन ने चूँकि कुर्बानी दी थी करबला में, बातिल के सामने नहीं झुके थे। दहशतगर्दी और उस वक्त के टेररिस्ट, सबसे बड़े टेररिस्ट यजीद के ख़िलाफ़
वो खड़े हुए थे 27 लाख के लश्कर के मुकाबले पर सिर्फ 72 को लेकर, हक और बातिल यानी रॉन्ग और राइट का मुकाबला था ये बताने के लिए। और फिर एक खसूसियत ये थी कि हिंदुस्तान में क्यों होता है ये, सवारम में क्यों नहीं होता, दूसरी जगह पे क्यों नहीं होता। पहली बात तो कि जैसे हमारी कंट्री है हिंदुस्तान, हमारा मुल्क अजीज पाकिज़ा और पवित्र ये कंट्री है, मुल्क है, देश है, इससे अच्छा कोई देश हमारी नज़र में पूरी दुनिया में नहीं है। और इसकी दलील सिर्फ ये है कि जब हुसैन करबला में 27 लाख के दुश्मनों के बीच घिर गए थे, 72 घंटे उनको भूखा प्यासा रखा गया था, उनका 6 महीने का छोटा सा बच्चा भी था, उसको भी जहरीले तीर का निशाना बनाया गया था, तो उस वक्त हमारे मौला हुसैन ने 1400 साल पहले ये जुमला कहा था कि भाई अगर मैं तुम्हारे लिए भारी पड़ रहा हूँ तो तुम छोड़ दो, मुझसे लड़ क्यों रहे हो, अल्लाह का गजब क्यों लेना चाहते हो, मुझे छोड़ दो, मैं हिंदुस्तान चला जाता हूँ, भारत चला जाता हूँ। तो उस वक्त हिंदुस्तान आने के लिए कहा था। कुछ लोगों ने कहा भी कि आप हिंदुस्तान क्या करेंगे, आप सोचिए 1400 साल पहले इस्लाम तो था नहीं, कोई मुसलमान तो था नहीं हिंदुस्तान में, लेकिन उस वक्त भी इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान को याद करके कहा था। तो उस वक्त के लोगों ने उनसे कहा था कि आप हिंदुस्तान का नाम क्यों ले रहे हो, तो कोई मुसलमान नहीं है। तो 72 घंटे के भूखे प्यासे ने, 70 लाशें उठाने वाले ने, 27 लाख का मुकाबला करने वाले मजलूम ने, वीर ने, उस बहादुर ने जुमला कहा था कि हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं मगर इंसान तो है। इसका मतलब है कि हमारा ये हिंदुस्तान इंसानों का मुल्क है, मानवता का मुल्क है, यहाँ पर मजलूमियत की रिस्पेक्ट होती है, यहाँ पर हक वालों का बोलबाला होता है। इमाम ने 1400 साल पहले कहा था, आज भी हिंदुस्तान उन्हें सलाम करता है, खास तौर से बम्बई में आज़ादारी जिस एहतमाम से होती है, यहाँ का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटर और तमाम जितने भी यहाँ के पुलिस से मुतालिक या इंतजामिया से मुतालिक या हुकूमत के लोग, हमारी गवर्नमेंट भी हमारा भरपूर साथ देती है, चूँकि वो जानती है कि इमाम हुसैन क्या है। ये जलूस एक सिर्फ असल में दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुसलसल आवाज़ है, आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ है। अगर सारे मुसलमान और सारे लोग मिलकर हुसैन के अलम के नीचे आ जाए तो यह आतंकवाद और ये दहशतगर्दी दुनिया में रह नहीं सकती। सवाल तरह तरह के फिर सवालिया निशान क्यों खड़े किए जा रहे हैं, कौन कहे बात पर, स्पेशली कि आतंकवाद का जो लेबल एक मुसलमानों से ही चिपका हुआ है। नहीं, मुसलमानों से किसी ने चिपका, मुसलमान है ही नहीं जो आतंकवादी है, तो गलत बात है। लोग कहते हैं ऐसा, मतलब ऐसा नहीं, अपना चेहरा मुसलमानों वाला दिखाते है ना, हुसैनी चेहरा दिखाए, असल में हुसैनी चेहरा इस्लामी चेहरा है, बाकी सारे यजीदी चेहरे हैं जो हुसैन से हटकर है, और यजीद ये आतंकवादी है, उन्हें अगर आतंकवादी कहते हैं हमारे हिंदुस्तान के दूसरे भाई दूसरे मजहब वाले तो क्या बुरा कहते हैं, इसलिए कि यजीद आतंकवाद था। जब तुम आतंकवाद का साथ दोगे और आतंकवाद को अच्छा कहोगे तो आतंकवाद में ही तो काउंट किए जाओगे। ये है अच्छा, ये जो जुलूस निकल रहा है आज, ये किस पर्पस से निकल रहा है, ये सिर्फ मजलूम की तरफदारी और जालिम से नफरत। आप ये बताइए ये दशहरे को आप क्या करते हैं, यानी हमारे हिंदुस्तान वाले हमारे हिंदू भाई, यही तो कह गए कि रावण से हमारी नफरत है और राम से हमारा प्यार है, दो ये कैरेक्टर है, दो अलामत है, दो सिंबल है, एक बातिल का, एक हक का, एक गलती का, एक सही चीज़ का, एक मजलूम है, एक जालिम है। ये इमाम हुसैन और यजीद की सिचुएशन है, बिल्कुल यही बताने के लिए। हिंदुस्तान में तो बहुत आसान है समझाना, हमारे हिंदू भाई हमारे दूसरे लोग बहुत आसानी से समझते हैं करबला को। देखिए दो ताकतें हमेशा से रही हैं, हक और बातिल, इसको आप मान लीजिए, और ये हर मजहब में कंसेप्ट है, एक तरफ बातिल एक तरफ हक है, हक हमेशा जीता है, बातिल हमेशा हारा है, मजलूम ने हमेशा विजय पाई है और जालिम हमेशा पराजय हुआ है। ये तो आपकी देख रहे हैं आप, ये हुसैन का और करबला का ये बता रहे हैं। कि एक दूसरी बात और है, हमारे यहाँ हमारे बुजुर्गों ने और हमारे रहबरों ने हमें बताया कि करबला मनाओ, करबला का जिक्र करो, ताकि फिर कोई यजीद पैदा ना हो, ताकि फिर आतंकवादी पैदा ना हो, ताकि फिर 6 महीने के बच्चे तीरों से ना मारे जाए, ताकि फिर औरतों की चादर ना छीनी जाए, ताकि फिर औरतों के हाथों में रस्सियाँ ना बांधी जाए। बताओ नबी की नवासियों को हाथों में रस्सियाँ बांधी गई हैं, लेकिन ये करबला यही दोहराए जाने का नतीजा है कि अब कोई यजीद बनने को जल्दी से तैयार नहीं होता है। तो फ़ायदा तो है, फायदे के लिए किया जाता है। सऊदी अरब और ईरान को लेकर कुछ रोशनी डालेंगे? सऊदी अरब ईरान ये दो मुल्क हैं, दोनों मुस्लिम कंट्री है, एक का ताल्लुक शिया नज़रिए से, एक का ताल्लुक सुन्नी, बल्कि सुन्नी भी नहीं है सऊदी अरब, सऊदी अरब वहाबी है, वो मुसलमान नहीं है, झूठ बोलता है, सऊदी अरब मुसलमान नहीं है, वहाबी है, वहाबी है, इसराइली लोग हैं सब, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, अगर इनका इस्लाम से ताल्लुक होता तो यमन पर हमला ना करते।
आपका तारुफ आप क्या बोलना चाहेंगे? आप शुरू करना चाहते हैं, बोलिए तो बता दीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर जुलूस के बारे में या जो भी हो रहा है सामने कैमरे में? मुझको सैयद माहिर अली जाफरी कहा जाता है। मैं यहाँ मस्जिद मंबाड़ा गुलशन हुसैन तैयबा नजमा पेश नमाज की खिदमत करता हूँ और इस जुलूस के सिलसिले में जहाँ तक नज़रिया मेरा है वो सेम नज़रिया यही है कि ताकि करबला के पैदा करने का किसी में दोबारा जज्बा पैदा ना हो सके, कि बार बार हम लोग जो जुलूस उठाते हैं जो सीना जनी करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि एक तरफ मौला हुसैन जो नवासे रसूल थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी करबला के मैदान में और उनके शहादत की यादें ताज़ा भी हो सके और जो मोहब्बत का असर है वो भी कायम हो सके और दूसरे जो दुश्मन ताकतें हैं उनके रुखसारों पर तमाचा भी हो सके कि हम लोग मजलूम कौम हैं और मजलूम के मानने वाले हम जालिम के तरफदारी नहीं करते। शिबला एक आखिरी सवाल है। नहीं, पहले मैं एक बात बता दूं। देखिए आज़ादारी और ये जलूस और हुसैन का तज़किरा हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरी है, किसी और मुल्क में हो या ना हो, इसलिए कि जहाँ तक हमारे पास तारीख यानी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उसमें हमें ये मिलता है कि हमारा हिंदुस्तान जालिमों से सिर्फ हुसैन के ही रास्ते पर चल के आज़ाद हुआ है। हमारे गांधी जी जो देश को आज़ाद करने वाले यानी महात्मा गांधी, हमारे देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हमें हिंदुस्तान को आज़ाद करना है हुसैन के रास्ते पर चल कर, तो हमें हुसैन के रास्ते पर चलना है ताकि हमारा मुल्क आज़ाद रहे गुलाम ना। जी अब करिए सवाल। आखिरी सवाल चलते चलते, जैसे जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं और वो दीगर कंट्रियों के लिए गलत काम करते हैं जैसे टेररिस्ट का काम तकरीबन जितनी भी न्यूज़ आ रही है, तो ऐसे लोग जो ब्रेन वॉश करके, तो ऐसे लोगों के लिए क्या अपील होनी चाहिए आपकी, आप पूरी दुनिया में अपनी खिताबत से? सही फरमा रहे हैं आप। हम सब यही कहते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, पूरी दुनिया में हमारा मैसेज यही होता है। देखिए मुसलमान का लेवल लगाने से कोई आदमी अच्छा नहीं हो जाता। यजीद तो खलीफतुल मुस्लिमीन था, ये तो खाली मुसलमान ही है। तो देखिए आतंकवाद दहशतगर्दी या मुल्क को नुकसान पहुँचाना ये बहुत बड़ा कुफ्र है। ये कुफ्र यही है, अपने मुल्क से गद्दारी करना, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाना, अपने भाइयों को, कोई भी हमारे मुल्क का जो भी रहने वाला है हमारा भाई है, हमारे दिल के करीब है, वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हमारा भाई है, इसलिए कि हिंदुस्तान हमारी माँ है, हमारा बाप है, हम इसकी औलाद है और जो इसकी औलाद है वो हमारे भाई है। जो इसके साथ गद्दारी करेगा मुसलमान हो ही नहीं सकता और मुसलमान की खाली दुआ ही देता है, बदनाम करता है। ना हिंदू हो सकता है ना मुसलमान, कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई मजहब ही नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि वतन की मोहब्बत ईमान की नहीं? अरे ईमान है भाई, उसको बार बार कहना क्या हो, तो कहा जा चुका है। ये तो नमक हरामी है, हैवान से बदतर है वो, इंसान उसे मार के निकाल देना चाहिए, उसे सरेआम फांसी देना चाहिए जो मुल्क की गद्दारी में पकड़ा जाए या मुलव्विस हो, जो मुल्क को नुकसान देने के लिए ज़रा सा भी काम करे वो हैंग कर दिया जाए, उसका ये सज़ा है। कैसे, जब वो अपने माँ बाप का, असल माँ बाप हमारा मुल्क है, अगर हम इसी के नहीं है तो हम किसके होंगे भाई? यही तो हुसैन ने बताया, यही करबला बताती है, जलूस बताते हैं, और क्या है, यही है पैगाम इन जुलूसों का। और जो आतंकवादी है अंदर से वो इसकी मुखालिफत करते हैं ताकि उनका पर्दा हटता है ना और उनकी शरारतें सामने आती हैं, उनका चेहरा दिखाई दे जाता है हिंदुस्तान के हमारे भाइयों को कि ये आतंकवादी है, इसलिए मना किया जाता है, इसलिए रोका जाता है। वरना क्या परेशानी है भाई, कभी किसी शिया ने कहा रामलीला ना करो, कभी किसी ने कहा दशहरा ना मनाओ, खूब मनाओ, हम भी शरीक हैं तुम्हारे साथ, एक अच्छे किरदार कैरेक्टर चरित्र की बात कर रहे हो, राम हमारे भी आदर्श ही हैं बहुत बड़े, हम उनको भी मानते, कोई नहीं उनको कुछ एक लफ्ज़ भी कहे तो हम उसको इस्लाम से खारिज कर देंगे, राम के लिए बुरा अगर लफ्ज़ बोले, ये है इस्लाम भाई, इस्लाम बताते नहीं लोग, हुसैन वाला इस्लाम बताए, राम हमारे बहुत सर पे, सर के ताज है राम, बहुत बड़े कृष्ण सर के ताज है हमारे, बहुत बड़े हैं, किसी को बुरा नहीं कह सकते, किसी के रहबर को आप बुरा नहीं कह सकते, किसी के अवतार को आप बुरा नहीं कह सकते, ये है मजहब, ये जुलूस यही बताता है। जिहाद ये करेंगे, जिहाद कभी बुजुर्गों ने नहीं किया, जिहाद ये क्या करेंगे, खाली ड्रामा है, नारा है, सियासी नारे है और कुछ भी नहीं। जी हुजूर और कुछ? नमस्कार, मैं हूं अली अब्बास,
तेज रफ्तार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर।